और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सबसे पहले कानपुर से आपको बताते हैं। सड़क हादसे में 26 मौत का मामला है। ट्रैक्टर चालक राजू निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नशे में ट्रैक्टर चलाने की वजह से हादसा हुआ था। आसार थाना पुलिस ने राजू निषाद को गिरफ्तार किया है। राजू पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये जो कानपुर में हादसा हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी, और तभी से ये जो ट्रैक्टर ड्राइवर था वो फरार बताया जा रहा था, और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार पुलिस इसकी तलाश में कई जगहों पर छापामार कार्रवाई भी कर रही थी, और अब फाइनली जाकर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब इस ट्रैक्टर में 50 लोग सवार थे, जिनमें से कई लोगों की जान गई थी, क्योंकि जो आसपास के लोग थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये नशे में ट्रैक्टर चला रहा था और इसी वजह से यह हादसा हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है। कई धाराओं में मुकदमा इस पर दर्ज किया गया है। 26 लोगों की मौत हुई थी जो सड़क हादसा हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से। करीब 50 लोग इस ट्रैक्टर में सवार थे, और ये जब हादसा होता है उसके बाद से ही ये ट्रैक्टर चालक फरार था। श्याम तिवारी इस वक्त हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, राजू निषाद की गिरफ्तारी हो गई है? ये आपको बता दें कि 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार राजू निषाद गिरफ्तार हो गया है, और पुलिस ने कल देर रात 11:30 बजे उसे कोठा थाना क्षेत्र कोठा गांव के पास ही नहर के पास से गिरफ्तार किया है। वो कहीं पर जा रहा था तभी पुलिस को अचानक सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि राजू के ही बेटे का मुंडन था, और उसने पूरे गाँव को निमंत्रण दिया था, और सभी को लेकर के वो बच्चे का मुंडन कराने के लिए उन्नाव बक्सर गया था। और सुनिका देवी में जब मुंडन संस्कार संपन्न हो गया, लौटते में उसने कई जगह पर ट्रैक्टर रोक करके शराब पी। लोगों ने मना भी किया कि शराब की हालत में, नशे की हालत में वो गाड़ी ना चलाए, लेकिन वो गाड़ी चलाता रहा, और अंततः इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि 26 लोगों की मौत हुई और कई लोग उस मामले में घायल हुए। हालांकि जैसे ही हादसा हुआ और उसके बाद राजू को एहसास हुआ कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो वो मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो रेस्क्यू किया और घायलों को अस्पताल भेजा। और ठीक है, फिलहाल की बड़ी गिरफ्तारी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।